महेंद्रगढ़ जिले के उपमंडल कनीना में रोड धसने से रोड़ियों से भरा ट्रक पलटकर 3 दुकानों पर जा गिरा, लेकिन सुबह के समय दुकानें खुले नहीं होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया और नगर पालिका द्वारा बनाए गए रोड की पोल खुल गई। आज कनीना में जब पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तब पुलिस ने रोड़ियों से भरे हुए एक ट्रक को पकड़कर उसका चलान करते हुए उसे इंपाउंड कर थाने ले जा रहे थे। तब पावर हाउस के सामने एकदम चलते हुए वह ट्रक रोड धसने की वजह से 3 दुकानों के ऊपर जा गिरा, लेकिन सुबह के समय दुकानें नहीं खुली होने की वजह से किसी भी प्रकार का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं मौके पर मौजूद दुकानदारों ने बताया कि यह रोड नगर पालिका द्वारा बनवाया गया था और इसे बनाने में रोड के ठेकेदारों द्वारा बहुत सी अनियमितताएं बरती गई और उन्होंने इन सड़कों के निर्माण में नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सरकार की और प्रशासन की मिली जुली भगत है, अपने मनचाहे ठेकेदारों को पैसे दे के पैसे खा के ये घपले करते हैं और रोडों को ऐसे मिला देते हैं, सीसी बनाते हैं और सीसी लगाते नहीं, सब कुछ ऐसे करते हैं कि 2 रुपए की टाइल लगा दी, 3 रुपए का काम कर दिया, नक्की कर देते हैं। आर्टिफिशियल कनीना बना रखा है, कनीना का इतना बुरा हाल कर दिया है, कहीं खड्डे हैं, कहीं रोड टूटे हुए हैं और हर रोड नए बन रहे हैं, फिर भी टूटे फूटे बन रहे हैं। ये सारी प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की देख रेख में हो रहा है, सारा भ्रष्टाचार है। और कनीना का आज कह रहे हैं कनीना विकास की ओर है, मैं कह रहा हूँ कनीना विकास की ओर नहीं, कनीना दुर्गति की ओर चल रहा है। रात का टाइम था, दिन में होता पता नहीं हमारा क्या हो जाता, सारे ये साइकिल वाले भी हम बाहर बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या होता दिन में, जो शुक्र है रात का टाइम था, अंधेरे में बचाव हो गया बहुत, पता नहीं क्या करते रहते हैं। ये सारा रोड धस गया नीचे, नाले पहले भी कहा था मानते नहीं है, ये रोड ये बना दो सही से, वो भी धस गया नीचे सारा रोड, दुकान दब गए सारे, मेटेरियल भी सही नहीं लगाया इन्होंने, अभी तक कोई नहीं आया, किसी ने आगे पूछा नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो दुकान वाली खड़े हैं सारे।